हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम कैपेसिटर में और आगे बढ़ते हैं। जैसा आपने लास्ट क्लास को पढ़ा था, कैपेसिटर में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, सीरीज और पैरेलल पढ़ चुके हैं, चार्ज और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं। आज चार्ज और वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि किसी कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा, कितना वोल्टेज होगा अगर हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, उसको आज हम पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास को आपने पढ़ा था कि अगर कोई सीरीज में चार्ज है, सीरीज में कैपेसिटर है C1 एंड C2, तो दोनों पर चार्ज जो होगा वह क्या होगा, सेम होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। फिर यहाँ पर भी प्लस क्यू माइनस क्यू, लेकिन वोल्टेज जो होगा वह अलग अलग होगा। यहाँ V1 जो लिखा जाएगा वह क्यू बाई C1 होगा एंड V2 जो लिखा जाएगा वह क्यू बाई C2 होगा। और यहाँ से हमको आया था कि V1 बाई V2 जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है C2 बाई कैपेसिटर के। V1 बाई V2 बराबर हो गया C2 बाई C1। यहाँ से अगर टोटल वोल्टेज आपको मालूम हो तो V1 बराबर हो जाएगा C2 बटा C1 प्लस C2 गुने टोटल वोल्टेज एंड V2 बराबर C1 बटा C1 प्लस C2 गुने टोटल वोल्टेज। ये कंपोनेंटो डिविडेंडो करके जैसे V1 बटा V1 प्लस V2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 बटा C1 प्लस C2। तो यही V1 प्लस V2 टोटल वोल्टेज है, तो यहीं से यह स्टेप यहाँ आ जाएगा। V1 बराबर क्या हो जाएगा, C2 बटा C1 प्लस C2 गुने V। ऐसा था कि अगर सीरीज में है तो, और इसी क्रम में हम आगे पढ़े थे कि अगर पैरेलल में है, अगर क्या है पैरेलल में है तो वोल्टेज दोनों के क्रॉस क्या होगा, सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा लेकिन चार्ज डिफरेंट होगा। यहाँ Q1 होगा और यहाँ Q2 होगा, जहाँ Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1 भी और Q2 बराबर हो जाएगा C2 भी। यहाँ से आएगा कि Q1 बटा Q2 जो होगा वह C1 बटा C2 के होगा। तो इस यहाँ से अगर आप निकालना चाहोगे, फिर इसी प्रकार सिमिलरली निकालना चाहोगे तो डायरेक्टली यहाँ प्रोपोर्शनल है, Q1 बराबर हो जाएगा C1 बटा C1 प्लस C2 गुने टोटल चार्ज। उसी प्रकार Q2 बराबर C2 बटा C1 प्लस C2 गुने टोटल चार्ज। इतना हम लोग लास्ट क्लास तक पढ़े थे, ठीक है। चलिए आज देखते हैं फिर। आज इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन पहला, टू माइक्रोफराड, थ्री माइक्रोफराड, इसको कनेक्ट कर दिया गया 10 वोल्ट से। 10 वोल्ट से क्या किया गया, कनेक्ट किया गया। तो पूछ रहा है फाइंड चार्ज ऑन इच कैपेसिटर, एंड वोल्टेज अक्रॉस इच। कि चार्ज क्या होगा इच कैपेसिटर पर और वोल्टेज क्या होगा, यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब भी चार्ज निकालना हो तो सबसे पहला काम इसमें होगा कि सी इक्विवेलेंट निकालिए। सबसे पहला काम क्या होगा, सी इक्विवेलेंट निकालना। यह दोनों क्या है, सीरीज में है। इसमें है सीरीज में, तो सीरीज में है तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 × 3 बटा 2 + 3 यानी 6/5 माइक्रोफराड। 6/5 माइक्रोफराड सी इक्विवेलेंट हो गया। अब दूसरा स्टेप है कि सीरीज में है तो सीरीज में चार्ज जो भी होगा सब पर क्या होगा, सेम होगा। तो क्यू बराबर आप निकाल लोगे, क्यू बराबर होता है C × V। तो क्यू की जगह पे क्या रखेंगे, क्यू तो निकालना है, सी की जगह पे 6/5 और वी की जगह पे 10 वोल्ट। 5 से 10 गया 2 यानी आपका आंसर हो गया 12 माइक्रो कूलम। क्यों, क्योंकि आपका ये जो कैपेसिटेंस था माइक्रोफराड में था, इसलिए आंसर यहाँ माइक्रो कूलम में होगा। ये 12 माइक्रो कूलम आपका चार्ज हो गया। तो यही चार्ज दोनों पर होगा, 12 माइक्रो कूलम चार्ज ही
टू माइक्रो फराड पर भी होगा, थ्री माइक्रो फराड पर भी होगा। अब है वोल्टेज। अब जब वोल्टेज निकालना हुआ तो हम जानते हैं कि V बराबर होता है Q अपॉन C, यानी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है C के। तो यहीं से हमको मालूम है कि अगर 2 माइक्रो फराड इसको अगर V1 मानो और यहाँ V2 मानो, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, C2 बटा C1 प्लस C2 गुने टोटल वोल्टेज। ठीक है, तो इसके बाद क्या बनेगा, तो यहां से आ जाएगा V1 बराबर C2, C2 यानी 3, या V2 लिए हैं तो इसको C2 लेंगे और इसको C1 लेंगे, तो 3 अपॉन 2 प्लस 3 गुने टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट, यहां क्या हो जाएगा 6 वोल्ट, और बचा हुआ V2 जो हो जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 10 करो, देखो 4 वोल्ट आ जाना चाहिए, क्या आएगा 4। तो इसके क्रॉस 6 वोल्ट, इसके क्रॉस 4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज में रहे तो सबसे पहले आपको सीरीज हो या पैरेलल हो, सी इक्विवेलेंट आपको निकालना ही पड़ेगा। सी इक्विवेलेंट निकालो, उसके बाद चार्ज निकालो, चार्ज कितना हुआ, फिर उसका फ्लो देखो। सीरीज में है तो सबके क्रॉस चार्ज सेम होगा, पैरेलल में यही चीज डिफरेंट होगा। आगे हम लोग देखते हैं पैरेलल में कैसे होगा। अब अगर यहां हम ले ले 4 माइक्रो फराड एंड यहां 5 माइक्रो फराड और यहां 18 वोल्ट ऐसा ले ले। अब सेम क्वेश्चन यहां भी है कि चार्ज मानो, चार्ज बताओ, फाइंड चार्ज एंड वोल्टेज कोरस्पॉन्डिंग टू इच कैपेसिटर। ठीक है, तो इसके क्रॉस चार्ज Q1, अब वोल्टेज तो भी ही होगा, पैरेलल में वोल्टेज इसके क्रॉस क्या होता है सेम होता है, तो वोल्टेज आपको 18 वोल्ट ही रहेगा। इसके क्रॉस चार्ज Q2 होगा लेकिन वोल्टेज अभी भी 18 वोल्ट ही रहेगा। तो वोल्टेज निकालने के लिए कुछ करना ही नहीं है, वोल्टेज हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि V बराबर हो जाएगा 18 वोल्ट, क्यों, क्योंकि यह डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 18 वोल्ट, यही 18 वोल्ट इसके क्रॉस भी होगा और इसके क्रॉस भी होगा। अब बचता है चार्ज, तो चार्ज तो हमको मालूम है, Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1 into V, तो यहां से लिख रहे हैं अगर हम Q1, तो Q1 बराबर हो गया C1 यानी 4 into V 18, 18 74 माइक्रो फराड माइक्रो कूलम, एंड Q2 बराबर हो जाएगा 5 into 18 18 पंचे 90 माइक्रो कूलम। बस सिंपल है, क्या सिंपल है। क्वेश्चन अब आता है जब सीरीज और पैरेलल दोनों रहता है तब क्वेश्चन बनाने में फिर मजा आता है। एक क्वेश्चन उसका भी देख लेते हैं, आपको जहां फास्ट लगे पॉज करो, उसको बनाओ समझो फिर आगे बढ़ो। अब अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, टेन माइक्रो फराड, टू माइक्रो फराड, थ्री माइक्रो फराड, थर्टी वोल्ट, क्या है 30 वोल्ट। ठीक है, अब इसको बनाना है, यहां पर भी वही चीज करना है आपको, चार्ज निकालना है और वोल्टेज निकालना है हर एक कैपेसिटर के क्रॉस। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सी इक्विवेलेंट निकालना। यह दोनों पैरेलल में है और उस इसको एक बनाने के बाद इसके साथ क्या है सीरीज में है, तो अगर आप यहाँ सी इक्विवेलेंट निकालना चाहोगे तो पहले यह दोनों पैरेलल में, तो तीन दो
5 पैरेलल में ऐड हो जाता है, तो 3 2 5 हो जाएगा और यह है 10। तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 10 × 5 / 10 / 5 यानी 50/15। 5 से भाग दो तो 10/3 माइक्रोफराड, यही हो जाएगा आपका सी इक्विवेलेंट। ठीक है, यह 10 माइक्रोफराड इसके साथ सीरीज में होगा जब दोनों मिलके एक हो जाएगा। अभी तो यहां से दो रास्ता है, लेकिन अगर दोनों मिलके एक हो जाए तब एक ही रास्ता बचेगा, तब हम बोल सकते हैं सीरीज में है। तो पहले इस दोनों को मिला के, 2 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड को मिला के हमने क्या बना लिया, 5 माइक्रोफराड। और नाउ दिस 5 माइक्रोफराड इज इन सीरीज विद 10 माइक्रोफराड। बस हो गया, अब सी इक्विवेलेंट निकल गया। तो अब आपका काम है चार्ज निकालना कि आखिर यहां से चार्ज कितना फ्लो किया। तो Q बराबर जो हो जाएगा वह क्या है, सी भी यानी 10/3 × 30। तो कितना हो जाएगा, 100 माइक्रो कूलम। कितना चार्ज हो गया, 100 माइक्रो कूलम। तो इसका मतलब है 100 माइक्रो कूलम इस पर भी आएगा और यहां जब 100 माइक्रो कूलम जाएगा तो दोनों में बट जाएगा। तो अगर आप चार्ज लिखोगे तो Q जो है 10 माइक्रोफराड पर यह फिक्स हो गया 100 माइक्रो कूलम। इसमें अब कुछ सोचना ही नहीं है कि 10 माइक्रोफराड पर यही हो जाएगा, लेकिन आगे चल के 100 माइक्रो कूलम जो है यह दोनों कैपेसिटर में बट जाएगा। तो हम जानते हैं कि पैरेलल में क्या होता है, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, इसीलिए यह 2:3 है तो 2:3 भाग में बट जाएगा, 2 भाग यहां जाएगा 3 भाग यहां जाएगा। तो टोटल कितना भाग हुआ, 3 2 5 भाग, यानी 5 भाग में तोड़ लो पहले, 5 भाग में से 2 भाग इसके पास जाएगा, 3 भाग इसके पास जाएगा। तो 5 भाग में जैसे ही तोड़ोगे तो यहां से पहले हम लिखते हैं 2 माइक्रोफराड के पास 2 ही हिस्सा जाएगा, कितना में, 5 में 2 जाएगा, यानी 2/5 किसका, 100 का, यही हो जाएगा 20 × 40 माइक्रो कूलम। और उसी प्रकार चार्ज आपको 3 माइक्रोफराड पर कितना जाएगा, 3 हिस्सा जाएगा, कितना में, 3 2 5 में, तो 3/5 में 3 100 में कितना आता, 3/5 × 100 60 माइक्रो। तो इस तरह से चार्ज आपको तीनों पर निकल जाएगा। ध्यान देना, जो आप चार्ज निकाले हो वह जब बैटरी से निकलता है, वह बैटरी से निकला तो पूरा इसके पास चला गया, लेकिन जब आगे की ओर बढ़ा तो देयर वाज टू वे टू कैपेसिटर्स इन पैरेलल, तो वहां से चार्ज बटेगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। और चार्ज जो बटता है पैरेलल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसके पास चार्ज ज्यादा जाएगा। तो इसी कारण से यह 2:3 में कैपेसिटर है तो चार्ज भी 2:3 में बट जाएगा। 2 + 3 अगर टोटल 5 है तो 5 में से 2 इसके पास जाएगा, 3 इसके पास जाएगा। तो वही है, 5 में से 2, तो 100 में से कितना, तो 2 × 5 × 100, यहाँ 3/5 × 100, यही ना हिस्सेदारी निकालने का तरीका है। अब है वोल्टेज, अब क्या है, वोल्टेज। तो वोल्टेज अब निकालो, अब चार्ज अगर मालूम है तो वोल्टेज आसानी से निकल जाएगा। भी अगर 10 माइक्रोफराड पर निकालते हो यह हो जाएगा आपको भी बराबर होता है Q/C, तो यहाँ हो जाएगा 100 माइक्रो कूलम/10 माइक्रो फ्राड बराबर हो जाएगा 10 वोल्ट। तो इस पर कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट, बचा हुआ 20 वोल्ट यहाँ पे। और अगर मन ही मन सोचो तो वास्तव में यह क्या था, यह 10 माइक्रोफ्राड था और वहाँ 5 था, यानी 10 माइक्रोफ्राड और 5 माइक्रोफ्राड में इस 30 वोल्ट को बटना था, यह 10 था, यह दोनों मिलके 5 था। तो वोल्टेज को इस 2 भाग में बटना था, 10 और 5 में। तो वोल्टेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सीरीज में, अगर यह है और यह सिस्टम क्या हो गया, सीरीज में। तो जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा वहाँ वोल्टेज कम, जहाँ कैपेसिटेंस कम वहाँ वोल्टेज ज़्यादा। तो इसके पास जो होगा, अगर टोटल 10, 5, 15 हिस्सा लगाते हो तो 15 हिस्सा में 5 हिस्सा इसके पास आएगा, 10 हिस्सा इसके पास आएगा। तो 15 हिस्सा में अगर तोड़ते हैं तो यह 2 वोल्ट होगा। देखो बनाने का तरीका, बिना ऑब्जेक्टिव बनाना होगा तो कॉपी कलम उठाने की जरूरत नहीं है।
यह 10 है और यह 5 है, टोटल 15, 15 हिस्सा में बांटते हैं तो 5 इसके पास आएगा और 10 उसके पास आएगा, बड़ा वाला जाएगा छोटा के पास, छोटा वाला आएगा बड़ा के पास। तो 15 में से 10 हिस्सा इसके पास, 5 हिस्सा इसके पास, तो इसको पहले 15 भाग में तोड़ो, 2 वोल्ट आएगा, 2 वोल्ट में से इसके पास 5 वोल्ट, 5 हिस्सा चाहिए था, 5 × 10 वोल्ट, और इसके पास 10 हिस्सा तो 10 × 20 वोल्ट, ठीक है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज जो हो जाएगा वह 20 वोल्ट हो जाएगा, तभी आपको 2 माइक्रोफराड बराबर भी 3 माइक्रोफराड बराबर 20 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, समझ में आ जाएगा अच्छे से। फोर माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड, 10 माइक्रोफराड कनेक्टेड विथ 20 वोल्ट, 20 वोल्ट से कनेक्टेड है बस। अब फिर क्या करना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है। सबसे पहला काम क्या, सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट निकालोगे तो पहले यह दोनों पैरेलल में, 6 × 4 = 10, और यह 10 और यह 10 सीरीज में, तो 10 10 सीरीज में कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोफराड, बराबर बराबर सीरीज में है, आधा हो जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट आपका 5 माइक्रोफराड हो गया। फिर निकालना है चार्ज कितना फ्लो किया, क्यू बराबर हो जाएगा सी वी, यानी 5 × 20 × 5, फिर से आ गया 100 माइक्रो कूलम। तो 10 माइक्रोफराड के पास जो चार्ज जाएगा वह कितना जाएगा, यहाँ पे चार्ज आएगा 100 माइक्रो कूलम, ठीक है, यहाँ पे चार्ज आएगा 100 माइक्रो कूलम। आगे जब 100 चलेगा तो इस दोनों में बट जाएगा, और पैरेलल में चार्ज जो है यहाँ क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, सी के पैरेलल में, तो पैरेलल में सी के प्रोपोर्शनल है, यानी टोटल 10 हिस्सा में 4 हिस्सा इसके पास जाएगा, 6 हिस्सा इसके पास जाएगा। तो 10 हिस्सा अगर लगाते हैं 100 माइक्रो कूलम का, तो 10 माइक्रो कूलम बचेगा, 10 माइक्रो कूलम का 4 × इसके पास, 6 × इसके पास, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 4 × जाएगा किसका, 10 हिस्सा का 4 × तो 10वां हिस्सा कितना होगा, 10 माइक्रो कूलम, 100/10, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 40 माइक्रो कूलम, और यहाँ 60 माइक्रो, तो 100 दो भाग में बढ़ जाएगा, यहाँ 40 माइक्रो कूलम, यहाँ 60 माइक्रो कूलम बस। अब बारी आती है वोल्टेज की, तो वोल्टेज है 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट है, यहाँ भी 10 माइक्रोफराड है, यहाँ भी कंबाइन करके 10 माइक्रोफराड आता है, दोनों बराबर बराबर कैपेसिटर आ जाती है, इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट, या आप Q by C करोगे 100/10, क्या हो जाएगा यहाँ 10 वोल्ट, और यहाँ भी बचेगा 10 वोल्ट, ठीक है। यह क्वेश्चन सिंपल है, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों बराबर हो गया है तो ज़्यादा माथा पेची नहीं करना पड़ा। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, पहले काम है सी इक्विवेलेंट निकालना, फिर चार्ज निकालना, चार्ज सीरीज में इसके पास वही का वही आ जाएगा, लेकिन पैरेलल में वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बाद में जब वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज क्यू बाई सी करके आप निकाल सकते हो, या फिर रेशियो से निकाल सकते हो। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, ट्वेंटी वोल्ट, 10 माइक्रोफराड, 10 माइक्रोफराड, 5 माइक्रोफराड, ऐसा है तो क्या होगा, बिना कॉपी कलम उठाए भी आप चाहो तो इसको बना सकते हो। पहले आपको क्या करना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो सी इक्विवेलेंट जैसे ही निकालोगे
यह 10 और 10 सीरीज में क्या हो जाएगा, 5, और फिर 5 और 5 पैरेलल में इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के क्रॉस देखो, यह दोनों भी इस पॉइंट के क्रॉस है, या भी यहाँ पहले सीरीज वाला सॉल्व होगा, पहले यह 10 10 20 का 10 10 सीरीज में है तो 5 हो जाएगा, और 5 और 5 पैरेलल में 10 हो जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट आपका 10 माइक्रोफराड आ जाएगा। और 10 माइक्रोफराड जब आ गया तो यहाँ से चार्ज क्यू, तो क्यू बराबर हो जाएगा 20 × 10 यानी 200 माइक्रोकूलम, 200 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। अब ये 200 माइक्रोकूलम चार्ज दोनों में बटेगा, तो इधर भी सी, इधर भी इस पाथ में भी कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफराड है, इस पाथ में भी 10 10 मिला के 5 ही है, तो बराबर बराबर दोनों में चार्ज बट जाएगा, यानी इसके पास भी चला जाएगा, इधर भी जाएगा 100 माइक्रोकूलम और इधर भी आएगा 100 माइक्रोकूलम, तो इसके क्रॉस चार्ज 100 माइक्रोकूलम, इसके क्रॉस भी 100, इसके क्रॉस भी 100, तीनों पर चार्ज बराबर बराबर हो जाएगा। वोल्टेज का अगर देखोगे तो अगर चार्ज मालूम है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, 100/520 वोल्ट। ऐसे भी यह डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है यह वाला कैपेसिटर, यहाँ हो जाएगा 20 वोल्ट, लेकिन अब जो यहाँ 20 वोल्ट है सीरीज में बटेगा दोनों में, या बराबर बराबर है तो इसके क्रॉस भी हो जाएगा 10 वोल्ट और तो 20 वोल्ट दो भाग में बढ़ जाएगा। सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है, पैरेलल में चार्ज बढ़ता है, तो चूंकि यह दोनों पैरेलल में था चार्ज बट गया, 100 100 हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों कैपेसिटर बराबर बराबर था, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, 10 10 5 हो जाता है। और वोल्टेज की जब बात किए तो यह डायरेक्टली कनेक्टेड था बैटरी से, यहाँ 20 वोल्ट, और यहाँ पे क्या हुआ, वोल्टेज बटा, वोल्टेज यहाँ क्या हो गया, बट गया, सीरीज में बट गया, दोनों बराबर बराबर था तो वोल्टेज बराबर बराबर बट गया, यह हो गया 10 वोल्ट एंड 10 वोल्ट। ठीक है, ये था हमारा वोल्टेज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, आगे हम डिराइव करते हैं कि किसी कैपेसिटर के पास कितना एनर्जी होता है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, यह कैपेसिटर है सी और यह वोल्टेज है वी। ठीक है, चार्ज का क्या, ये बैटरी का क्या काम होता है, इधर से चार्ज को निकाल के यहां पे चार्ज को प्लेस करना। ठीक है, तो शुरुआती दौर में तो यह चार्ज नहीं रहता है, तो शुरू में तो बैटरी आसानी से यहां प्लस लाके रख देता है, यहां माइनस हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे यह प्लस बढ़ता जाता है अगले चार्ज को रखने में ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, अगले चार्ज को रखने में क्या है, ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो यहाँ वर्क डन बाय जो सेल होता है वही जाके यहाँ पे जमा होता है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे चार्ज को रखने में कितना हमको वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क, हमको कितना वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को इस पर रखने में। ठीक है, तो हर समय अलग अलग वर्क करना पड़ेगा, शुरू में जब चार्ज नहीं है तो कम करना पड़ेगा, जैसे जैसे चार्ज इस पर आएगा ज्यादा करना पड़ेगा, वेरिएबल है, तो ऐसे केस में मान लेते हैं कि लेट एट ए टाइम टी चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू, किसी भी समय चार्ज जो है कैपेसिटर पर क्यू है, देन उस समय वोल्टेज अक्रॉस इट क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस उस समय वोल्टेज हो जाएगा क्यू अपॉन सी, यह वोल्टेज हो जाएगा उस समय। अब इस वोल्टेज पर यहां वी नॉट देते हैं सेल का, या रहने दो, या वी वन दे देते हैं। ठीक है, यह वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हो गया, अब इस समय वोल्टेज Q अपॉन सी है, Q अपॉन सी वोल्टेज पर, इस वोल्टेज पर अगर आप थोड़ा चार्ज देते हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चार्ज गुने पोटेंशियल डिफरेंस, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो सो वर्क डन
टू ब्रिंग डीक्यू चार्ज, टू ब्रिंग डीक्यू चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट। कितना वर्क करना पड़ेगा डीक्यू को, ये सीधे है ना, वर्क डन टू मूव डीक्यू चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, कितना करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाई सी है, तो जो वर्क करना पड़ेगा डी डब्ल्यू वह हो जाएगा डी क्यू गुने पोटेंशियल डिफरेंस, डी क्यू गुने पोटेंशियल डिफरेंस, यानी डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन सी, डी क्यू गुने क्यू अपॉन सी। ये ध्यान रखना है कि इतना ही वर्क करना पड़ेगा, यहां से चार्ज को यहां रखोगे तो यही वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा होगा, यही वर्क आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा होगा और वर्क आपका बर्बाद हो जाता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वह क्या हो जाएगा, ऐसा हम लिख सकते हैं डी यू बराबर डी क्यू गुने वी वन, कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, तो इतना डी डब्ल्यू, यही आपका डी यू एक तरह से हो गया। तो यहां हम लिख सकते हैं डी यू बराबर पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया Q अपॉन सी डी क्यू। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, Q अपॉन सी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां, शुरू में चार्ज जीरो था, बाद में चार्ज इस पर Q आ गया, जीरो से लेके Q तक, तो क्या है वन बाई सी कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, Q का Q स्क्वायर अपॉन टू और इसका लिमिट जीरो से Q। बस यहां से पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या आ गया, यहां से पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ गया हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, तो यही पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। कि भी पोटेंशियल डिफरेंस पर अगर क्यू चार्ज रखते हो, भी पोटेंशियल डिफरेंस पर क्यू चार्ज रखते हो, भी पोटेंशियल डिफरेंस है और उस पर क्यू चार्ज बढ़ाते हो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा क्यू इंटू भी। लेकिन अब ज्यादा चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा ना, ज्यादा चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल वहां कांस्टेंट नहीं है। अगर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट होता तो हमको इंटीग्रेट करना ही नहीं पड़ता, सीधे Q इंटू वी कर देते, हो गया पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंट नहीं है, आप चार्ज जैसे ही बढ़ाते हो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस बढ़ जा रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि पहले Q चार्ज दे दिए, तो Q चार्ज दे दिए तो वोल्टेज हो गया Q अपॉन C। अब इस वोल्टेज पर छोटा सा चार्ज देते हैं, एकदम छोटा सा चार्ज, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर न आए। तो DQ चार्ज अगर हम देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी Q बाई सी का Q बाई सी ही है, अभी भी Q बाई सी का Q बाई सी ही है, क्योंकि छोटा चार्ज दिए पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज नहीं हुआ। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, चार्ज गुने चेंज इन चार्ज बट गुने पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। लेकिन हमको तो मालूम है कि चेंज होता है, तो अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर देंगे कि चलो जीरो से क्यू तक ले जाएंगे तो चेंज होके कितना होगा, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगा। इसी को यूजिंग क्यू बराबर सी वी इस फॉर्मूला को पुट करते चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, हाफ क्यू की जगह सी स्क्वायर वी स्क्वायर रखोगे तो यही आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू भी आ जाएगा, हाफ क्यू भी, क्यू बाई सी की जगह एक क्यू रहने दो, एक क्यू बाई सी की जगह भी रख दो, तो हाफ क्यू भी आ गया। तो यह पोटेंशियल एनर्जी आपको कैपेसिटर में स्टोर हुआ, जबकि अगर आपसे पूछे वर्क डन बाई से, बट वर्क डन बाई सेल, वर्क डन बाई कोई सेल पूछे तो वह हो जाएगा Q इंटू वी, क्योंकि वह टोटल चार्ज Q को फ्लो कराया और बैटरी के क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट था, इसीलिए वहां सीधे हम Q इंटू वी लिखते हैं। लेकिन कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट नहीं था, बस अंतर यही है, तो इसीलिए वहां हमको वोल्टेज के साथ इंटीग्रेट करना पड़ा है, चार्ज देते गए हैं धीरे धीरे, हर क्षण वर्क अलग अलग हुआ, यहाँ शुरू से लेके अंत तक एक ही रेट से वर्क हुआ, चार्ज फ्लो करता गया Q इंटू वी, Q इंटू वी, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट था। तो यहाँ वर्क सेल क्यू बाई भी किया और जमा हुआ हाफ क्यू भी, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी लॉस्ट
हुआ, एनर्जी लॉस्ट इन चार्जिंग, एनर्जी लॉस्ट इन चार्जिंग कितना हो गया, क्यू भी माइनस हाफ क्यू भी, यानी हाफ क्यू भी, आधा एनर्जी लॉस हो जाता है। हाफ एनर्जी क्या होता है, लॉस। इवन इफ आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जिस वायर से आप चार्ज कर रहे हो रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज जीरो, अगर वायर का रेजिस्टेंस जीरो है, इवन इफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज जीरो, 50% एनर्जी विल बी लॉस्ट, एनर्जी विल बी लॉस्ट एज हीट, हीट के रूप में आपका आधा एनर्जी लॉस हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस है तब तो और ज्यादा हो जाएगा, यानी अवर्क जितना सेल करता है उसका आधा ही जमा होता है, आधा क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, आधा बर्बाद हो जाता है। ठीक है, यह डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको एनर्जी निकालना पड़ेगा कि एनर्जी जो स्टोर हुआ कैपेसिटर में वह हो गया हाफ सी वी स्क्वायर, और इसको डिराइव करने का सीधा छोटा सा तरीका क्या कि वर्क डन हम निकालेंगे Q इंटू वी पर, लेकिन चूंकि वोल्टेज कैपेसिटर का बदल रहा है और वोल्टेज होता है Q by C, इसलिए जब चार्ज Q था उस समय वोल्टेज Q by C था और वर्क हो गया Q by C गुने dQ, यह छोटा सा वर्क हुआ। टोटल वर्क निकालना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, Q by C इंटू dQ को इंटीग्रेट करना होगा, इतना आ जाएगा, बात खत्म। अब इसके बाद इस एनर्जी में और आगे बढ़ना होता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए और आगे बढ़ना पड़ता है, यह भी पूछता ही है आपको एनर्जी डेंसिटी निकालना है। तो हमको मालूम है कि अभी जो एनर्जी आया है वह है हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी आप किसी भी कैपेसिटेंस से निकालो, ये हमेशा के लिए यह कैपेसिटर पर डिपेंड नहीं करता है, यह एक कॉन्स्टेंट फॉर्मूला आ जाएगा। देखो यहाँ पैरेलल के लिए, पैरेलल से अगर हम डिराइव करते हैं तो C की जगह क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी गुने वी स्क्वायर, पैरेलल प्लेट के लिए, इसके बीच में D है और यह E है, इसके बीच में एरिया A है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो V बाई इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, E इक्वल टू होता है V अपॉन D, इक्वल टू वी अपॉन डी, वी बराबर ई गुने डी, इसका पुट करोगे तो यू बराबर हो जाएगा हाफ इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी गुने वी स्क्वायर की जगह आप पुट करोगे ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, एक डी से एक डी खत्म, यहाँ आ जाएगा यू बटा ए गुने डी बराबर हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, कि अगर किसी भी वैक्यूम में या कहीं भी, ये वैक्यूम में कहीं भी अगर आपको दिया रहे इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ एक एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी क्षेत्र में है तो वह एक एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वह इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करने की क्षमता रखता है, एनर्जी स्टोर करना मतलब क्या, ऊर्जा, ऊर्जा यानी कार्य करने की क्षमता, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कार्य करने की क्षमता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो एक यूनिट वॉल्यूम, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1 मीटर क्यूब में, उसके पास कितना वर्क करने की क्षमता होगी, हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ेगा उसको उस फील्ड का कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो यह हो गया यू अपॉन ए गुने डी, एरिया गुने डी क्या हो गया, वॉल्यूम। आप फार्मूला भले यहाँ से डिराइव किए हो बट दिस फार्मूला इज अप्लीकेबल फॉर एवरीवेयर, हर जगह आप यह फॉर्मूला लगा सकते हो, वैक्यूम में जहाँ कोई मीडियम नहीं है वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगा यही हो गया यू अपॉन वी वॉल्यूम, यू अपॉन वॉल्यूम बराबर हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसी को एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, स्मॉल यू से दिखाते हैं। वैलिड इन वैक्यूम एवरीवेयर, वैक्यूम में ऐसा हो जाएगा हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है।
चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला क्लास को देखते हैं। ओके, बाय बाय।